Right. Now, वो एनालिसिस समझने के लिए हमें अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स पहले समझने होंगे. कुछ टर्म्स पहले हम डिफाइन करते हैं. सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट, एनर्जी बैंड थ्योरी. इससे रिलेटेड हम कुछ टर्म्स समझते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि कंडक्शन का फिनोमेना कैसे होता है एग्जैक्टली. कैसे मटेरियल्स को तीनों कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, क्यों तीनों में डिफरेंस आता है. ध्यान रहे ये जो हम बता रहे हैं, यहां पर एक चीज और हम याद रखें, ये जो हम बता रहे हैं दिस इज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये हम जीरो केल्विन पर बात कर रहे हैं, ठीक है. हम ये जो पूरी बात यहां लिख रहे हैं दिस इज एट जीरो केल्विन. This is at 0 degree Kelvin. हम absolute temperature पर इस तरह का केस बता रहे हैं. जब कुछ temperature होगा, जब room temperature होगा तो चीजें different होंगी. कैसे different होंगी वो हम वो terms समझने के बाद, कुछ definitions समझने के बाद बताएंगे. Now, हम यहां पर सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एनर्जी गैप और बैंड गैप. एनर्जी गैप और बैंड गैप. हम सबसे पहले ये एक टर्म डिफाइन करते हैं, एनर्जी गैप और द बैंड गैप. नाउ अगर हम इस एनर्जी बैंड डायग्राम को भी ध्यान से एनालाइज करें तो हम देखेंगे यहां पर भी बीच बीच में हमने खाली जगह छोड़ी है. ये कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ऑल्दो इट इज नॉट डिस्क्रीट, ये एनर्जी स्टेट्स की तरह डिस्क्रीट भी नहीं है, पर ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस भी नहीं है, ठीक है. ये एनर्जी बैंड्स की एनर्जी स्टेट्स की तरह डिस्क्रीट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, बट ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस भी नहीं है. दैट मींस यहां पर ये जो बीच बीच में हमें खाली जगह दिख रही है दिस सिमिलर टू द गैप वी हैव शोन हियर. यहां पर जो गैप दिखाई है उसी तरह से इस गैप का भी वही सिग्निफिकेंस है. हम बोलते हैं इस एनर्जी और इस एनर्जी के बीच में, इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में एनर्जी लेकर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता हमें. या तो उसकी एनर्जी 2p में होनी चाहिए या वो 3s में होना चाहिए. उसकी एनर्जी या तो 2p की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या 3s की एनर्जी के बराबर होनी चाहिए. वो बीच में कहीं पर नहीं आ सकता. यही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी था, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स और क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यहां पर एग्जैक्टली वो क्वांटाइजेशन तो नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम बोलेंगे या तो इलेक्ट्रॉन इस 2p बैंड में जाएगा या वो इस 3s बैंड में जाएगा. वो इसके बीच में यहां पर कहीं नहीं रह सकता, वो उन दोनों के बीच में कहीं पर नहीं रह सकता. दिस द एनर्जी गैप, इसी को वहां एनर्जी गैप बोल दिया जाता है. वी से दैट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ अ बैंड and the lowest energy of the higher band. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, the energy gap is equal to the highest energy of band and the lowest energy of higher band. इसकी एनर्जी
और इसकी एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको हम एनर्जी गैप बोल देते हैं, ठीक है, उसको हम यहां पर एनर्जी गैप बता देते हैं। हम एनर्जी गैप को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ लोएस्ट एनर्जी ऑफ अ बैंड वन सेकेंड of a band highest energy of a band and lowest energy of just higher band ठीक है, मतलब किसी भी बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है और उसके ठीक ऊपर वाले बैंड में जो लोएस्ट एनर्जी है दिस इज द एनर्जी गैप, इसे जो है एनर्जी गैप बोल देते हैं हम, दिस इज द एनर्जी गैप। इसे कई बार फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोल दिया जाता है। दिस स्पेस दिस रीजन ऑफ एनर्जी इज फॉरबिडन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो इसलिए इसे कई जगह पर फॉरबिडन एनर्जी गैप भी लिख दिया जाता है। इस रीजन में इस एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, उसको या तो ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, ई जी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं एनर्जी गैप। ये एक टर्म हुआ, ये सबसे पहले एक टर्म हुआ, फिर हम यहां पर और कुछ टर्म्स और कुछ बातें डिस्क्राइब करें। हम वैलेंस बैंड डिस्क्राइब करते हैं, वैलेंस बैंड कंसेप्चुलाइज करते हैं। जैसे हम आइसोलेटेड एटम के लिए वैलेंस शेल वैलेंस ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसेप्चुलाइज करते हैं, वैसे ही हम यहां पर एक वैलेंस बैंड डिफाइन कर रहे हैं, वैलेंस बैंड कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं। थ्योरेटिकली वैलेंस बैंड हर उस बैंड को बोल दिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, एनी बैंड विच हैज सम इलेक्ट्रॉन्स is called the valence band. But for practical purposes के लिए हमें सिर्फ इस band की जरूरत होती है, the last band, or we can say
the band with highest energy, which is either partially or completely filled with electrons. वो चाहे पूरा भरा हो या partially भरा हो, but उसमें electron होना चाहिए, उसमें electrons होने चाहिए. Then it is called the valence band. ठीक है, theoretically तो ये सारे ही valence bands हैं. Valence bands को इस तरह से ही define किया जाता है. Any band, any energy band which has any electrons is called a valence band. But practically, significance सिर्फ उसी band का होता है. हम आगे समझेंगे इस बात को. Significance सिर्फ उसी band का होता है जिसमें highest energy के electrons होते हैं, जिसकी energy highest होती है, जिसमें कुछ electrons भी filled हो. तो हम यहां पर दोनों ही बातें लिखें, दोनों ही बातें यहां पर जरूर हम लिखें. ऑल द एनर्जी बैंड्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, at 0 Kelvin. All the energy bands having electrons, filled with electrons, all the energy bands filled with electrons at 0 Kelvin, filled partially or completely, कोई सा भी केस हो, ठीक है, पार्शियली भरा हो चाहे कंप्लीटली भरा हो, डजंट मैटर. पर हम बोल रहे हैं सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस उसी बैंड का है केवल जो सबसे हायर एनर्जी का हो. ओनली द हाइएस्ट एनर्जी वैलेंस बैंड इज सिग्निफिकेंट, बट ओनली द हाइएस्ट एनर्जी वैलेंस बैंड इज सिग्निफिकेंट. Only the highest energy valence band is significant. और हम generally जब simply valence band बोलेंगे तो हम इसी band को refer कर रहे होंगे, हमें बाकी band से मतलब नहीं होगा. जब हम simply valence band बोलेंगे तो हम इसी band को refer कर रहे होंगे, हमें इसी band से वहां पर meaning होगा, इसी बैंड का वहां पर्पस होगा. दिस द वैलेंस बैंड. सोडियम के केस में 3s वाला बैंड ही वैलेंस बैंड है. इट इज सिमिलर टू द वैलेंस शेल और वैलेंस ऑर्बिट कॉन्सेप्ट. ये बिल्कुल एक वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट जैसा ही. फिर हम एक दूसरा टाइप ऑफ बैंड कंसेप्चुलाइज करते हैं, डिफाइन करते हैं. वी डिफाइन कंडक्शन बैंड्स, वी डिफाइन द कंडक्शन बैंड. ठीक है, यहां पर अब कंडक्शन बैंड्स कौन से होंगे ये काफी ऑब्वियस है, इट इज वेरी ऑब्वियस. जो भी बचे हुए बैंड्स हैं दे आर ऑल कंडक्शन बैंड्स. ऑल द बैंड्स, ऑल द एनर्जी बैंड्स विच आर एम्प्टी,
जो पूरी तरह से खाली है एट जीरो केल्विन. ऑल द एनर्जी बैंड्स कंप्लीटली एम्प्टी एट जीरो केल्विन. जीरो केल्विन पर जो भी बैंड्स पूरी तरह से खाली है उन्हें हम कंडक्शन बैंड बोल देते हैं. अगेन ओनली द लोएस्ट एनर्जी कंडक्शन बैंड विल बी सिग्निफिकेंट. हमें सिर्फ इसी बैंड से जनरली काम होगा, इसी बैंड का, ठीक है, जो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर वाला, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर वाला जो बैंड होता है उसी का हमें कुछ सिग्निफिकेंस दिखेगा, उसी का हमें पर्पस दिखेगा, ठीक है. तो फिर से इसी तरह की बात आ रही है, कॉन्सेप्ट वाइज कंसेप्चुअली सारे ही खाली बैंड जो है, मतलब वैलेंस बैंड के ऊपर जितने भी बैंड है वो सब कंडक्शन बैंड है, बट द सिग्निफिकेंस इज ओनली ऑफ द लोएस्ट एनर्जी कंडक्शन बैंड, बट ओनली द लोएस्ट एनर्जी कंडक्शन बैंड इज सिग्निफिकेंट. Only the lowest energy conduction band is significant. मतलब जब हम conduction band बोलेंगे तो हमें इस band को ध्यान में रखना है. When we say conduction band, it will refer to this. Sodium के लिए 3P को conduction band बोल दिया जाएगा, ठीक है. अब हम यहां फिर से एक थॉट दें, एक बात सोचे, हम यहां ये कंडक्शन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई आर वी यूजिंग दिस वर्ड कंडक्शन? हम यहां कंडक्शन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? हम एनर्जी स्टेट्स में कभी कंडक्शन ऑर्बिट, कंडक्शन शेल जैसी तो कोई बात नहीं बोलते. हम यहां पर इसे तो वैलेंस ऑर्बिट के ही जैसे वैलेंस बैंड बोल रहे हैं, वैलेंस शेल के ही जैसे वैलेंस बैंड बोल रहे हैं. ये हम यहां कंडक्शन वर्ड क्यों लेकर आ गए? हम कंडक्शन बैंड इसे क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस? इसको कंडक्शन बैंड बोलने के पीछे क्या लॉजिक है? व्हाई आर वी कॉलिंग दिस कंडक्शन बैंड? हम यहां एक सिंपल सी बात बोलते हैं, सिंपल सा फंडा बोलते हैं. हम इसे कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा. एज सून एज एन इलेक्ट्रॉन कम्स इन द कंडक्शन बैंड, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल फॉर कंडक्शन. बेसिकली हम जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हम जिन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपना वैलेंस बैंड छोड़कर कंडक्शन बैंड में चले गए. कैसे चले गए? उन्हें कुछ एनर्जी मिली, जैसे यहां एक्साइटेशन होता है, जैसे यहां एक्साइटेशन होता है वैसे यहां पर भी होगा. जैसे यहां किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने पर वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है वैसा यहां भी होगा.
वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी मिली तो वो हायर बैंड में चले जाएंगे, लेकिन वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इट मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू दिस एनर्जी गैप. वो जो एनर्जी है वो इस एनर्जी गैप से ज्यादा होनी ही चाहिए. अगर वो इस एनर्जी गैप से ज्यादा है देन वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन टेक दिस एनर्जी, एक्सेप्ट दिस एनर्जी, लीव द वैलेंस बैंड एंड गो इनटू द कंडक्शन बैंड. वो फिर कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं. एनर्जी गैप का भी इसीलिए सिग्निफिकेंस सिर्फ इसी जगह पर है, सिर्फ यहीं पर एनर्जी गैप का सिग्निफिकेंस होगा. बिल्कुल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के कॉन्सेप्ट की तरह एनर्जी गैप भी डिफाइंड तो सब जगह है, एनर्जी गैप इज डिफाइंड एवरीवेयर, बट सिग्निफिकेंस विल ओनली बी ऑफ द एनर्जी गैप बिटवीन लोएस्ट कंडक्शन बैंड एंड हाईएस्ट वैलेंस बैंड. एनर्जी गैप का भी सिर्फ यहीं पर सिग्निफिकेंस होगा. बाकी एनर्जी गैप्स कंसेप्चुलाइज रहेंगी बट उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा. सिग्निफिकेंस सिर्फ इसी का होगा. ठीक है. सो अगेन, जब हम एनर्जी गैप को बोलेंगे, जब हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलेंगे, वी विल बी रेफरिंग टू द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. दैट इज लोएस्ट कंडक्शन बैंड, हाईएस्ट वैलेंस बैंड. ठीक है. एनर्जी गैप विल ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट ओनली फॉर highest valence band and lowest conduction band. Highest valence band और lowest conduction band के लिए ही उसका significance होगा. ठीक है. अब मैं साफ साफ कह रहा हूं, अब जब भी हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे, एनर्जी गैप बोलेंगे, तो उसका सिर्फ यहीं पर लेना देना. जब हम वैलेंस बैंड बोल रहे हैं तो ये, कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं तो ये, एनर्जी गैप बोल रहे हैं तो ये. ठीक है. अब हर बार जब हमें मतलब ही सिर्फ इससे है तो हर बार हाइएस्ट लोएस्ट दिस बैंड दैट बैंड ये बोलने की क्या जरूरत है. हम सिंपली वैलेंस बैंड बोलेंगे तो ये, कंडक्शन बैंड ये, इनके बीच में एनर्जी गैप. अब हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ दीज क्वांटिटी इन बैंड्स का क्या सिग्निफिकेंस है. अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर हैं, अगर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर हैं, कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देन इट इज अ परफेक्ट इंसुलेटर. वो एक परफेक्ट इंसुलेटर है. इसीलिए हम ये भी कहते हैं दैट एट जीरो केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ एवरी मटेरियल बिकम्स इनफाइनाइट. जीरो केल्विन पर मटेरियल्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, उनकी कंडक्टिविटी जीरो हो जाती है. बिकॉज सारे ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है. कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. एंड वी आर सेइंग दैट फॉर कंडक्शन टू बी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर इन कंडक्शन बैंड.
इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में होना कंपलसरी है। अब हम यहां पर इस थ्योरी के बेसिस पे, इस एनर्जी बैंड के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे समझे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है। हम थोड़ा सा लॉजिकली, एनालिटिकली सोचें तो डेफिनेटली उसका रिलेशन इस एनर्जी गैप से ही होना चाहिए। किस मटेरियल में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना आसान है, किस मटेरियल में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाना डिफिकल्ट है, अगर ये एनर्जी गैप बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, सच विल बी द केस ऑफ कंडक्टर्स। अगर ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो हमें काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए, सच विल बी द केस ऑफ इंसुलेटर्स। अगर ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, सच विल बी द केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, वो केस फिर होगा सेमी कंडक्टर्स का। अगेन लेट अस क्वांटिफाई व्हाट वी आर सेइंग, जो हम यहां बोल रहे हैं उसे क्वांटिफाई करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये एनर्जी गैप ही डिटरमाइन करता है बेसिकली, ठीक है, कि कोई मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। ना हमने क्या कहा, जीरो केल्विन पर, भाई जीरो केल्विन पर तो सब इसी तरह से होंगे। ध्यान से देखो, सोडियम का हमने यहां इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल किया है एट जीरो केल्विन, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, मतलब यहां कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, दैट इज दे आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने वैलेंस बैंड को छोड़कर बाहर आ गए। सोडियम में जीरो केल्विन पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इवन कंडक्टर्स एट जीरो केल्विन विल बिहेव लाइक परफेक्ट इंसुलेटर्स। जीरो केल्विन पर कंडक्टर्स भी बिल्कुल एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर तो परफेक्टली इंसुलेटर बिहेव करेंगे, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स भी इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बात को ध्यान रखो, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज एनालॉगस टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, उसी को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं, ठीक है। ये बात यहां पर जरूर ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूज्ड इन कंडक्शन, जो कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी इसीलिए कम होती है, लेकिन जब हम डिक्रीज करते हैं तो वो कुछ समय तक कुछ एक लिमिट तक तो इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, बट एट जीरो केल्विन, जब वो जीरो केल्विन पे पहुंच जाता है, जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं,
ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाते हैं सॉरी, तो फिर इस तरह का केस बन जाता है। ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शंस, यहां पर कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो ऐसे केस होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ही ओवरलैप करने लग जाते हैं। देयर आर सम केसेस, कुछ एलिमेंट्स में ऐसा भी होता है कि ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप अगर बहुत कम है, तो देखो ये ऑर्बिटल थोड़ा नीचे आया, ये ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर गया, तो फिर वहां पर ऐसा हो सकता है कि जीरो केल्विन पर भी वो कंडक्ट करे। बट इन सच केसेस, ऐसा जब केस होगा तो जीरो केल्विन पर वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा। हाँ, हम टेम्परेचर जब कम करते हैं तो कुछ लिमिट तक जो है कंडक्टिविटी बढ़ती है, उसका जो कंडक्टिंग नेचर है वो बढ़ता है। बट एट वेरी लो टेम्परेचर्स वो नहीं होगा। ठीक है, यहीं पर तो एक बीच में ट्रांजिशन जो स्टेज आती है वही तो सुपर कंडक्टिविटी होती है। इसी के बीच में जो एक ट्रांजिशन स्टेज होती है वही तो सुपर कंडक्टिविटी होती है। कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कुछ एक पर्टिकुलर शार्प टेम्परेचर रेंज में मटेरियल का कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाता है, वो बहुत हाई हो जाती है, एंड दे ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस, उसी को तो हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेरी हाई कंडक्टिविटी, उससे और नीचे गए तो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल हो जाती है, और वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। इसको हम एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा वेरिएशन होता है, वो शॉर्ट टेम्परेचर रेंजेस के लिए, बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम होती है, कम करने पर बढ़ती है। बट एक हाँ वही क्रिटिकल टेम्परेचर पर, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेज, वही क्रिटिकल टेम्परेचर जो हम बोलते हैं, मतलब कंडक्टिविटी टेम्परेचर कम करने पर बढ़ रही है, एकदम से बहुत ज्यादा हो गई, फिर एकदम से जीरो हो गई, इस तरह से वो वेरिएशन होता है। ठीक है ना, सो भाई सुपर कंडक्टर्स का पर्पज ही क्या है, कि हम किसी तरह से कोई ऐसा मटेरियल डिजाइन करें जो रूम टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगे। अगर रूम टेम्परेचर पर ही वो सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगे तो सोचो क्या उसका बेनिफिट होगा, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिसमें एनर्जी लॉस होता है, उस एनर्जी लॉस को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, कहीं पर भी एनर्जी लॉस को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, या हम बोले नेग्लेक्ट, उसको नेग्लिजिबल बनाया जा सकता है, बहुत कम किया जा सकता है। तो वो एक ट्रांजिशन स्टेज होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है बिल्कुल, पर ऐसा नहीं होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर की उससे कम करते ही जाओ तो भी वो सुपर कंडक्टर, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है, या हम बोलते हैं एक छोटी सी, एक शार्प टेम्परेचर रेंज में ही वो पॉसिबल होता है। ठीक है ना भाई, नाउ हम क्या बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड में आ जाना, ये वही बात है जो हम बोलते हैं कि मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। हम साफ साफ देख रहे हैं यहां टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है, जीरो केल्विन पर सोडियम ऐसा है, रूम टेम्परेचर पर वो डेफिनेटली एक कंडक्टर होता है, मेटल है, कंडक्टर होता है। दैट मीन्स इवन द रूम टेम्परेचर इज सफिशियंट टू प्रोवाइड अ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। रूम टेम्परेचर भी भाई 300 केल्विन है, ठीक है, अगर हम यहां पर एनर्जी कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो इस तरह से लिखते हैं, द एनर्जी विल बी के टी, जहां पर ये के जो है दिस इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, ठीक है, K
K जो है it is the Boltzmann constant. T is the absolute temperature, that is temperature in Kelvin. T is the temperature in Kelvin. Boltzmann constant ki value kuch hoti hai 8.6 into 10 to the power minus 5, aisi kuch value hoti hai Boltzmann constant ki. 300 Kelvin par agar hum dekhe to ye टेम्परेचर जो है इट करेस्पॉन्ड्स टू अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी. ये टेम्परेचर जो है इट रिप्रेजेंट्स इट्स इट इज इट करेस्पॉन्ड्स टू अ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी. मतलब रूम टेम्परेचर ही इतना हो जाता है, सफिशियंट हो जाता है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से निकालकर कंडक्शन बैंड में पहुंचा दे. ठीक है, एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है एट 300 केल्विन दिस एनर्जी करेस्पॉन्ड्स टू 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू डालें, टेम्परेचर 300 केल्विन डालें, तो हमें 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इतनी एनर्जी मिलेगी. हम बोल रहे हैं कंडक्टर्स के लिए यही एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड छोड़कर कंडक्शन बैंड में आ सकें. ये एनर्जी गैप इतना कम होता है कि ये रूम टेम्परेचर से हीट एनर्जी लेकर ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं. On this basis, now we again classify the three materials. हम तीनों materials को फिर से classify करते हैं. We say that if this energy gap is much less than 1 electron volt, अगर ये 1 electron volt से भी बहुत कम है, then such materials are conductors. Even room temperature is sufficient to provide them the required excitation energy to jump from the valence band to conduction band. If electron, if this energy gap is less than 3 electron volts, agar ye 3 electron volts se kam hota hai, तो फिर ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं. तो ये मटेरियल्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं. इससे ज्यादा अगर होता है, इफ दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 electron volts, देन द मटेरियल आर इंसुलेटर्स. अगर ये एनर्जी गैप 3 electron volts से ज्यादा होता है, ठीक है, अगेन दिस इज नॉट सम हार्ड एंड फास्ट रूल. मतलब हम ऐसा ना सोचें कि 3 electron volt होगा तो क्या होगा. दिस इज अ कैटेगरी, दिस इज अ रेंज डिफाइंड बाय ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकली. प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने पर जो डेटा हमें मिला है उसके बेसिस पर हमने ये रेंज सेट की है. वी फाइंड दैट फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए जो ये एनर्जी मिलती है, इट इज फाउंड टू बी 1.1 electron volts. द एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज फाउंड टू बी 1.1 electron volts. दूसरा जो एलिमेंट हमने बताया जर्मेनियम, उसके लिए इट इज फाउंड टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.6
7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जर्मेनियम के लिए यही एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलती है। फॉर कंडक्टर्स इट इज वेरी वेरी लो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हम समझ लें, ऐसा सोच लो इसको कि हमें अगर यहां पर अगर हमें इस केस में इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, ठीक है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कराना है, तो हमें इतने वोल्ट की बैटरी लगा देनी पड़ेगी इस बैंड और इस बैंड के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर यहां से यहां जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड छोड़कर कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ऐसा तो होगा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जंप कर जाएं या सारे ही इलेक्ट्रॉन्स वहीं की वहीं रह जाएं। अगर एनर्जी मिल रही है, एनर्जी अगर मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो मूव तो होंगे, एक्साइट तो होंगे। तो कंडक्टर्स में वो फिनोमिना काफी ज्यादा होगा। जैसा हमने बताया, इन कंडक्टर्स द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लार्ज, इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^29 पर मीटर क्यूब। तो कंडक्टर्स में वो फिनोमिना काफी ज्यादा होगा, बिकॉज वो थर्मल एनर्जी, जो सराउंडिंग्स की थर्मल एनर्जी है, उसी को लेकर एक्साइट हो जाएंगे। हाँ, ना ना ना, ये जो है एक अलग पार्ट लिखा है मैंने, दिस इज नॉट फॉर सोडियम। इस चीज को समझो, हम किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को इस तरह से लिख सकते हैं, अगर वो थर्मल एनर्जी हम उसकी लिखना चाहें। हाँ, दिस करेस्पॉन्ड्स टू 300 केल्विन। एट 300 केल्विन किसी को भी अगर 300 केल्विन पर छोड़ा जाए, तो उसके पास इतनी एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही आ जाएगी। ये यहां पर हम बोल रहे हैं, बाकी सोर्सेस को भूल जाओ, बाकी चीजों को भूल जाओ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भूल जाओ। अगर कोई इतने टेम्परेचर पर रखा है 300 केल्विन, तो उसको ये एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी, एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो उसकी होगी ही। हम ये वहां आर्ग्यू कर रहे हैं, एंड हम ये बोल रहे हैं दिस एनर्जी इट इज सफिशियंट इन द केस ऑफ कंडक्टर्स टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, राइट। सो ये आज हमने एक पूरा पिक्चर यहां पर दिया है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से क्या डिफरेंट होता है, हम इलेक्ट्रिकली मटेरियल्स को क्यों अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, कैसे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं, वो पूरा एक पिक्चर, एक काफी क्लियर पिक्चर हमको यहां समझना जरूरी था टू अंडरस्टैंड व्हाई सेमीकंडक्टर्स आर बीइंग यूज्ड इन द वे दे आर। उनमें क्या डिफरेंट है, क्यों कंडक्टर्स उस जगह नहीं यूज हो सकते, क्यों सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स की जगह यूज नहीं हो सकते, एंड सो ऑन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन के फिनोमेना को डिटेल में समझेंगे। हाउ डू सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, सो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे।